Any then? Yes. How much did you sleep? How much did you sleep? 8 o'clock. 8 o'clock. Oh my God. Boo. See what Baba Ramdev is doing. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। बोलो हाय। हाय कैमरा। बस अभी बज रहा है 8:15 और दूध नाश्ता थोड़ा बहुत कर लिया है। शौर्य का अभी नहीं हुआ है, शौर्य अभी उठा है, उसका दूध वगैरह सब रेडी है और सुबह का जो कार्यक्रम होता है वो हो गया है और थोड़ा टीवी देख रहे हैं। टीवी में बाबा रामदेव जी को देख रहे हैं। हाय कैमरा। प्रोटीन लेकर की प्रोग्राम कैमरा इट विल कम से बस यहाँ पे मैं शौर्य को थोड़ा सा, सैटरडे है तो इसलिए थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ क्योंकि एक दो दिन वो सर पे तेल लगा रहेगा तो बाकी दिन तो नहीं लगा पाते हैं, बट सैटरडे को कोशिश करती हूँ कि लगा दूँ, सैटरडे या संडे को। अभी तो खैर छुट्टी चल रहा है तो इसीलिए कुछ ज़्यादा वैसा बात नहीं है कि मंडे को स्कूल जाना है तो हेयर में वॉश रहना चाहिए। तो खैर उस शौर्य को लगाने के बाद मैंने भी लगा लिया तेल क्योंकि बहुत दिन हो गया था और मुझे आज हेयर वॉश करना था तो मैंने सोचा कि चलो तेल लगा लेते हैं और अच्छा से पूरा रूट से ले स्कैल्प से लेके पूरा नीचे पूरे फुल लेंथ लगाया मैंने और कोशिश करें कि जब भी बाल धोएं उससे पहले तेल ज़रूर लगा लें क्योंकि इससे ना आपका बाल का जो रूट्स है वो स्ट्रांग होता है। बहुत ज़रूरी है, बहुत कम लोग को ये पता होगा, बहुत कम लोग तेल लगाते हैं तो बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छा ग्रोथ चाहिए तो बालों में तेल लगाए। फिर उसके बाद मैं घर का काम करने लगी, वही झाड़ू वगैरह, झाड़ू पोछा, क्लीनिंग वगैरह सब काम किया। उसके बाद ये सब करके थोड़ा सा किचन में ब्रेकफास्ट का तैयारी करके मैं चली गई थी शावर लेने और यहाँ ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी उत्पम, तो इसीलिए उसके लिए काटा है मैंने प्याज टमाटर मिर्ची, ये सब काट के मैंने रख दिया था। उसके बाद मैं चली गई थी शावर लेने तो बस यहाँ पे तैयारी कर रहा रहता है तो आसानी होता है बनाने में, तो यहाँ पे फटाफट काट के रख दिया था। अभी शावर वगैरह हो गया, हेड वॉश भी कर लिया मैंने अपने लिए। सुबह तो डोसा किया था बट वो बहुत सुबह में किया था, ये मुझे भूख लग रहा है तो मैं अपने लिए बना रही हूँ उत्पम जिसके लिए मैंने काटा है प्याज टमाटर मिर्ची और बस फटाफट उत्पम बनाएंगे और खाएंगे। हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसा लग रहा है आपको? कैसे दिमाग में इतना दिन बाद, आप क्यों गैप में थी? आप इतने दिनों तक ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही थी? आलस आ रहा था। अच्छे अच्छे लोगों को आलस अपना शिकार बना लेता है, उसी तरह इन्हें भी बना लिया था। बट वापस ब्लॉगिंग चालू हो गया है, क्या आपने कंटेंट में कुछ चेंज किया है या फिर सेम कंटेंट या फिर अपना कुछ थीम चेंज किया है ब्लॉग्स का या क्या किया आपने? कुछ भी नहीं, सेम है। चलिए अपने उत्पम पे आते हैं।
तो गरम गरम उत्पम रेडी है, साथ में मैंने लिया है टोमेटो सॉस और चिली सॉस, दोनों ही खाऊंगी और बस खाना खा के नाश्ता करके खाना के बारे में सोचेंगे। आज आलू और परवल का सब्जी बनाऊंगी धनिया वाला, तो उसके लिए मैं पहले से ही इस मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ। इसे मैंने डाला है धनिया, 2 चम्मच मिर्ची और हल्दी, तो इसका पेस्ट बना के रख देंगे ताकि धनिया अच्छे से फूल जाए। बस यहाँ पे ये आलू परवल को काट लिया है इस एक साइज में, जैसा आलू जैसा परवल वैसा आलू काटना है। अब इसको सरसों तेल में फ्राई करूँगी। मुझे ना जब भी आलू परवल का सब्जी बनता है ना इस तरह से धनिया मसाला वाला, तो मुझे पूड़ी खाने का मन करता है इसके साथ। तो चावल भी बनाया है, थोड़ा सा पूड़ी ही बनाया है, तो मैं तो पूड़ी ही खाऊंगी और शौर्य जितना चावल खाएगा, जो चावल बच जाएगा वो मैं खा लूँगी, बट अपने लिए चावल नहीं बनाया है। तो मुझे पूड़ी और आलू धनिया वाला आलू परवल का सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है, तो आज वही बना रही हूँ पूड़ी। चलिए बनाते हैं, और बज रहा है 1, तो पूड़ी बनाते बनाते 1:30 होगा, तब तक खाना खाएंगे। फ़िलहाल पहले पूड़ी बना लेते हैं और भूख भी लग रही है, चलिए बनाते हैं। चलो मेरा खाना तो रेडी है, आज मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या है खाने में। यहाँ मेरा सब्ज़ी आलू परवल का, पूड़ी, चावल, सलाद,
मैंने सोचा कि आपको ही बता दूं, एक मैंने नया चीज़ लेके आई हूँ, फ्लोर और सरफेस क्लीनर है और ये प्योर मतलब एकदम केमिकल फ्री है, नेचुरल है और इसमें कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं हुआ है। तो बेसिकली जैसे ये वूकी का है, ये वूकी ब्रांड है, इसमें तो ये एक्चुअली ये फ्लोर प्लस सरफेस क्लीनर है। तो सरफेस क्लीनर मतलब कि आप किचन के स्लैब वगैरह को ही पोत सकते हैं और फ्लोर मतलब फ्लोर तो पता ही है, ज़मीन। तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा और ये ना 500 ml है 200 रुपये का। तो इसको मैं जैसे स्लैब किचन का स्लैब पोछना होता है तो ये इसका 2-3 ड्रॉप्स डाल के इसमें ऐसे और आराम से आप किचन का जो स्लैब है किचन का है मतलब जो स्लैब वगैरह है दोनों कहीं का भी स्लैब कोई भी सरफेस क्लीन करना है तो अच्छा है ये, काफ़ी अच्छा है। इसका सुगंध ही बहुत अच्छा, मतलब मेन सुगंध बहुत अच्छा है, उसमें स्किन सेफ है, बहुत सारा चीज़ है और कोई भी इसमें केमिकल नहीं यूज़ हुआ है। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा और इसको आप आराम से फ्लोर पे तो यूज़ कर ही सकते हैं, मतलब अच्छा खुशबू आता है और अच्छा से क्लीन होता है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने यूज़ किया तो मैंने सोचा कि आपको ही बता दूं। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे वूकी का। तो इसका बहुत सारा तरह तरह का आता है, मैंने यही लिया है तो कभी नेक्स्ट टाइम और लूँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो बस इसको पानी मतलब 3-4 बूंद आप अपने वाइप्स या जो कपड़ा जिसे धो पोछते हैं स्लैब को उसको उसमें डाल के यूज़ कर सकते हैं। और मतलब सुगंध तो इसका इतना अच्छा है ना कि मैं क्या बताऊं। और थोड़ा सा भी जैसे हार्श केमिकल यूज़ करने पे हाथ में लगता है ना, तो ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाथ में लग जाने पे भी कुछ भी नहीं इसमें असर होता है क्योंकि इसमें ये पूरी तरह से स्किन सेफ है और इको फ्रेंडली है, बहुत सारा चीज़ है इसमें, मतलब अच्छा लगा। तो यूज़ कर सकते हैं आप ये वूकी का। थोड़ा देर सो गई थी, सो के उठी हूँ, पता नहीं इस आँख में ना पता नहीं बहुत दर्द हो रहा है, कल रात में भी दर्द हुआ था और अभी भी हल्का सा दर्द है। तो ये बज रहा है 5, मैंने सोचा कि चलो आम खाते हैं, आम को पानी फुला के रख दिया था और बस काटते हैं खाते हैं। फिर से किताब लेके बैठा गया है, लगता है स्कूल खुलने से पहले ही किताब खत्म कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है? ना! क्या लगता है? ना! मुझे तो लग रहा है कि स्कूल खुलने से पहले ही हो जाएगा स्कूल खत्म। ना! क्या ख्याल है आपका पापा जी? He doesn't need to study UKG. He knows everything. No, you need to go. You want a lot of things teaching. Mango khake.
मैंगो मैंगोइज्ड हो गए हैं और मौसम बहुत अच्छा है। बारिश टाइप्स फील आ रहा है, पर बारिश होगा कि नहीं ये नहीं कह सकते। चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और अच्छा खासा बारिश हो रहा है अभी, तो मिलते हैं आपको कल एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग, कल क्या परसों आई डोंट नो। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर। तो बाकी का सारा काम करूँगी, अभी किया नहीं है, किचन वगैरह अभी समेटना है, वो सब करना है। और चलिए, बाय, गुड नाइट।